चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं यहाँ पे, कैसा सर? बिंदास आ जाओ, मैं भी समीर सर से कॉल करके पूछ के आया था, सर ने भी सजेशन दिया कि फ़ोन फिक्स हैदराबाद जाने के लिए। तो पैसा वसूल है या नहीं? पैसा वसूल है सर। तो समीर सर, मेरे पास ये ओप्पो के मॉडल्स हैं सारे, जितने भी है ओप्पो और वीवो के हैं इसके अंदर, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑन है, और अभी ये पैक है जैसा आपने बताना था आपको, देखिए पूरे कुछ भी काम करे हुआ नहीं है, पूरे स्क्रू वगैरह खोलना है इसमें, तो अभी ये सब एक एक स्टूडेंट को देंगे। और स्टूडेंट है हमारा, इनका 20 डेज आज तक कम्प्लीट हुआ, आज लास्ट डे है। तो ये ड्यूअल टेकर का फ़ोन है, ये लोगों पे इसको ऑन करके बताएगा, ये रिवॉल्व करके सीपीयू रैम निकाल के रिवॉल्व करके करना है। हैदराबाद के साथ आप उड़ीसा से सर, में मुंबई में कलकत्ता में बहुत नहीं सर, मैं समीर सर का वीडियो देखा था, उसमें समीर सर को मैंने पर्सनली कांटेक्ट भी किया था कॉल के, तो समीर सर ने बताया कि नहीं आप बेशक भी वहाँ भी जा सकते हो, खुद पे भरोसा आ गया कि कुंता भी पेस्टेड हो निकाल के ऑन कर सकते हो। ऑन कर सकते हैं तो पहली बार थोड़ी ना किए हम तो, क्या कितने बार तो कर लिया आप? 20 दिन में, 20 दिन में तो 4-5 किए सर, ब्लैक पेस्टेड। तो वेरी गुड, एक बार जोरदार क्लैप्स इनके लिए, क्या बात है, अच्छे से ओरिजिनल बना कर रखे हैं इन्होंने। एक मन में ये रहता है कि यार मैं इंस्टीट्यूट जाऊंगा, जाने के बाद कैसा रहेगा नहीं रहेगा वो टाइप से? सर वो तो बहुत डाउट था, मैं आपको भी कॉल किया था, आप बोले सबसे अच्छा है हैदराबाद चले जाओ फ़ोन फिक्स में, उधर क्लियर से सिखाया जाता है, तो आपके इंस्ट्रक्शन से मैं इधर आ गया, तो थैंक यू सर आपका भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू किड्स नगरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो रियल दिखाने वाला हूं, मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, डुअल टेकर स्टूडेंट कैसे करते हैं वो दिखाने वाला हूं। अभी तक आपने देखा होगा सागर सर को करते हुए, इससे पहले आप कमेंट करते थे सर टीचर तो कोई भी कर देंगे, तो उस चीज को देखते हुए मैं स्टूडेंट से यहां पर डुअल टेकर कराने वाला हूं, और डुअल टेकर के अलावा जो और बाकी स्टूडेंट है, काफी सारे स्टूडेंट है यहां पर, वो उन सबसे मैं ब्लैक पेस्टेड कराने वाला हूं, और ब्लैक पेस्टेड भी यानी किसी डेड मदरबोर्ड पे या सिर्फ उतार के रिबोलिंग करवा लगवा दूं ये नहीं। जैसे कि ये मेरे पीछे हैंडसेट देख रहे हैं, ये सारे के सारे हैंडसेट चालू हैंडसेट हैं, इन सब की हम ईएमसी निकालेंगे, और निकालने के बाद स्टूडेंट इसको लगाकर दिखाएंगे सब अपने आंखों के सामने। अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर, तो आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेगा, ताकि मैं पूरी डिटेल में मैं आपको बता पाऊं कि इस वीडियो के अंदर आपको इंटरेस्टेड क्या रहने वाला है। जो मेरे भाई पहले से रिपेयरिंग करते हैं, अगर वो कहीं अटक रहे हैं, तो वो सागर सर का स्क्रीन के ऊपर जो नंबर देख रहे हैं आप, उस नंबर पर पता कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये कोर्स कितने टाइमिंग का रहता है, तो चलिए सागर सर से पता करते हैं। सर ये जो कोर्स है ये कितने टाइमिंग का रहता है और इसकी फीस वगैरह क्या रहती है? 20 डेज का कोर्स रहता है, 45,000 का फीस रहता है, और रहने के लिए अकोमोडेशन फ्री रहता है, फूड उन लोगों का देख लेना रहता है। ठीक है, फूड की बात ये आती है, अगर कोई मेरा भाई पंजाब से अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है खाने वगैरह का, तो इसलिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आप 50 वाला खाना चाहते हैं 50 का मिल जाएगा, अगर आप 500 वाला खाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैं टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगा, जो भी इंक्वायरी है स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है आप सर से डायरेक्ट ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ डुअल टेकर, जो स्टूडेंट डायरेक्ट करके दिखाने वाले हैं हैंगिंग लोगों, जो सैमसंग में आती प्रॉब्लम। इसके अलावा जो स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, वो सब आपको ब्लैक पेस्टेड दिखाने वाले, जो कि सब ईएमएमसी उतारेंगे, उसकी रिबोल करेंगे, रिबोल करने के बाद वो उसको लगाकर ऑन करके दिखाएंगे, और ये भी गारंटी है सारे के सारे स्टूडेंट आपको ऑन करके दिखाएंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबे रह जाए, इसलिए वीडियो को पे बने रहें आप। तो समीर सर, मेरे पास ये ओप्पो के मॉडल्स हैं सारे, जितने भी है ओप्पो और वीवो के हैं इसके अंदर, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑन है, और अभी ये पैक है जैसा आपने बताना था आपको, देखिए पूरे कुछ भी काम करे हुआ नहीं है, पूरे स्क्रू वगैरह खोलना है इसमें, तो अभी ये सब एक एक स्टूडेंट को देंगे, और इसमें से ब्लैक पेस्टेड ऐसे जाएंगे, क्लीन करवाएंगे, वापस लगाएंगे, और ये ऑन हैंडसेट है। ओके, और जितने स्टूडेंट हैं सबको मैं दे रहा हूँ ये, और सबसे कराएंगे। वही सागर सर हमारे साथ हैं, चलिए देखते हैं आज ये हमें क्या दिखाने वाले हैं। सर सागर सर आज क्या दिखाने वाले हैं आप? स्टूडेंट है हमारा, इनका 20 डेज आज तक कंप्लीट हुआ, आज लास्ट डे है। तो ये ड्यूअल टेकर का फ़ोन है, ये लोगों पे इसको ऑन करके बताएगा, ये रिवॉल्व करके सीपीयू रैम निकाल के रिवॉल्व करके फिर फिक्स करके ऑन करके बताएगा ये। तो सर आप कहाँ से सर? मैं महाराष्ट्र मनमाड़ से। महाराष्ट्र से आपकी शॉप का एड्रेस, अगर आपके पास कोई काम लेकर आना चाहता है तो वो कैसे पहुँचेगा? मेरा बाबा मोबाइल मनमाड़ से, नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये।
जी तो गाइस एड्रेस मैं इसलिए लेता हूँ किसी भाई को ये ना लगे कि शायद ये कोई फेक वीडियो बन रही है या कुछ है। सर ने जो एड्रेस बताया आप इनके एड्रेस पे जाके इन्हें देख भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई काम है कराने के लिए तो इन सर के पास जाके आप अपना काम भी इनसे करा सकते हैं। और आज हमें आप क्या करके दिखाने वाले हैं सर? ये डबल डेकर का प्रॉब्लम है, हैंगिंग लोगो, हैंगिंग लोगो है, उसको रिपेयर करना। ये यहीं पे स्टक है, स्टक है, हाँ। ठीक है। तो फिल्म पहले कभी बनाए थे क्या आप? थोड़ा सा बताइए सेट ऐसा। नहीं नहीं, इसके पहले कभी नहीं बनाया था ये। okay. फर्स्ट टाइम, मतलब ये दो बार किया तो मुझे समझ में आ गया सर का ट्रिक वगैरह जो ऐसा है। यहाँ पे आया 20 दिन ट्रेनिंग हुआ, कैसा ट्रेनिंग दिए थोड़ा सा बताइए। 20 दिन ट्रेनिंग के बारे में तो ऐसा है कि मतलब पहले दिन से जो आईसी वगैरह रहते हैं, मतलब फर्स्ट डे से मतलब डेढ़ से दो घंटे में तकरीबन 50-70% बच्चा का आईसी रिवॉल्विंग वगैरह करना हो जाता है, और दूसरे दिन 100% जितने भी बच्चे आते हैं उनका सबका हो जाता है रिबॉलिंग। हैंड स्किल का तो आप पहले कभी तो डबल डेकर नहीं, पहले कभी, पहले कभी नहीं रिबॉलिंग वगैरह यहाँ पे आपको सिखाया गया, सीपी वगैरह आप डबल डेकर बना रहे। साथ ही साथ सर्किट की बात करें, लाइनों की अगर ढूंढना हो तो कैसा आपको समझ में आया? समझ में आ गया। इसके पहले तो मैं 14-15 साल से काम कर रहा था लेकिन लाइनों का इतना नॉलेज नहीं था मुझे। आपके पास तो बोले आप डायग्राम भी थे सर, डायग्राम बॉर्डर वगैरह सब थे लेकिन उसको रीड करना नहीं आता था, तो बहुत सारे काम फंस जाते थे उससे। तो ये वीडियो पूरा ऑल ओवर इंडिया में देख रहे होंगे लोग, यहाँ कोई ट्रेनिंग के लिए आना चाहे तो उनको क्या बोलना? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, चाहे तो मेरे इधर आके देखो मतलब मैं कौन सी लेवल पे काम कर रहा हूँ, और एकदम जेन्युइन काम है। यहाँ के सर लोग बहुत ज्यादा मेहनत लेते हैं। पहले से और अब में कितना फर्क आ गया? बहुत ज्यादा फर्क है सर, वैसे समझो जो मेरे काम रिटर्न जाते थे तो 99% ने काम हो जाएंगे, जो रिटर्न नहीं जाएंगे अभी। कॉन्फिडेंट ऐसा आ गया? हाँ माशाल्लाह। सर अभी क्या करना होगा इन्हें स्टेप बाय स्टेप अगर आप बताएंगे तो? अभी क्या कर रहे हैं? अभी फर्स्ट रैम निकालेगा। ओके, रैम निकालने के लिए कैसे निकलती है वो? हल्का सा बीच में गैप कर लेगा, गैप करने के बाद ब्लेड इसका जो स्क्रैपर है स्क्रैपर लगा के फर्स्ट रैम को रिमूव कर लेगा सेट से। उसके बाद सीपीयू को हटाएगा। ओके, उसके बाद फर्स्ट रिवॉल्व होगा सीपीयू, उसके बाद ऊपर का बॉल स्क्रीन होके पहले प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा और ये सेट ऑन करके बताएगा तुम्हारे को। तो भाई ये सागर सर हैं जो कि यहाँ पर हार्डवेयर का काम कर हार्डवेयर सिखाते हैं आपको, ज़बरदस्त इनका हैंड स्किल वगैरह है, डुअल डेकर वगैरह इतने प्यार से कर देते हैं। आप जितने प्यार से पावर आईसी करते हैं इतने प्यार से डुअल डेकर कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सर जैसे ही अभी इन्होंने दोनों चीज निकाल दी है, रैम भी निकाल दी, सीपीयू भी निकाल दिया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा पहले बोर्ड क्लीनिंग कर लेगा। ओके, उसके बाद सीपीयू का ऊपर के टाइप नीचे की तरफ क्लीन कर लेगा, उसके बाद ड्रम्स बॉल्स इसके अंदर जो होल्स होते हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करके उसके अंदर पीपीडी अप्लाई करके प्रॉपरली सेटअप कर लेगा, उसके बाद सीपीयू फिक्स करेगा, उसके बाद रैम फिक्स। ये कितने टाइमिंग का कोर्स होता है? 20 डेज का कोर्स होता है। 20 डेज के अंदर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पहुँच सकता बंदा। और अगर कोई फ्रेशर है मेरा भाई तो? फ्रेशर भी आ सकता है मगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास कोर्स करने के बाद फ्रेशर के लिए 3 महीने के बाद फिर से एक बार आके जाना होता 10 डेज के लिए। ओके, ताकि एक बार में पूरा नहीं ले सकता हूँ तो मिनिमम 60-70% तो कैच कर लेगा, हैंड स्किल तो प्रॉपर कैच कर लेगा, मतलब रिपेयरिंग कर सकते हैं। हाँ कर सकता, कोई टेंशन नहीं, काम तो कर सकता है। तो जब वो 10 डेज के लिए कोई आते हैं तो उसके बाद कितना चार्ज लगता है? कोई चार्जेस नहीं उसके लिए, कोई चार्जेस नहीं रहते और रहने के लिए रूम भी फ्री रहता उसको। ओके, सिर्फ अपना ट्रैवलिंग का और खाने का देख लेना बस, बाकी कुछ नहीं।
ठीक है सर, रुको, ओके फिक्स कर लो प्रॉपरली। अभी ये सीपीयू डाल दिया इन्हें, ओके ओके। अभी ये स्ट्रक होगा चार्जिंग पे जब लगाते हैं तो कितना होना चाहिए सर? 0.1 लेना चाहिए, ठीक है 0.1 लेना चाहिए। अगर कोई भाई तीन डिजिट का यूज़ कर रहे हैं तो 10, ठीक है 0.1, ओके ओके। ये वाला ओके सीपीयू गुड है। अगर ये सिस्टम को कनेक्ट करके चेक करें यूएसबी नॉट ट्रिगर नहीं शो करेगा, ओके। अगर डीसी में स्विचिंग में 0.130 में स्टक होगा, ठीक है ठीक है। और इसकी रैम जो है अभी इसका सीपीयू जो सक्सेस है इसका, ठीक है ठीक है। अभी इस पे बिठाएंगे रैम, चलो ले लो भाई रैम तुम्हारा। तो सर वो जो UMC स्टूडेंट कर रहे थे वो निकल चुकी है जी सर। अभी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रेडी बैठे हैं सर, सबने अपने ब्लैक पेस्टेड UMC को उठाया, ओके बोर्ड को क्लीन किया, उसके बाद UMC को क्लीन किया, ठीक है। उसके बाद रिवॉल्व करके ये रेडी रखे हैं और एक साथ सब लगाएंगे। एक बार आप सब लोग निकाल लिए ना भाई, क्लीन भी कर लिए, रिबॉल भी कर लिए, कुछ डैमेज तो नहीं हुआ? नहीं। चलो एक बार समीर सर देख लेते हैं। समीर सर थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखो ये भाई हैं, इन्होंने भी किया ये रहा थोड़ा, और वेरी गुड। एक भाई हैं इन्होंने भी किया वो ये रहा, और एक भाई हैं जो कि ये इन्होंने भी किया ये रहा, और ये हमारे भाई बिल्कुल फ्रेशर हैं, बुखार है, उन्होंने भी किया, फीवर है, 102.1 चल रहा है। और एक भाई ये रहे जिनका भी ये रहा, और एक भाई ये हैं इनके टूल वगैरह भी सब रखे हुए हैं, और रैम ये रही। इसके बाद भाई इनकी रैम भी ये रही, UMC। और चलो आप लोग लगा लो, सब लोग आराम से एक बार में लगाओ, क्योंकि इन्होंने ठंडा होने के बाद में डी सी से सब लोग ऑन करके वेरी गुड। एक बार क्लैप्स इनके लिए जोरदार, आवाज नहीं आ रही भाई, वेरी गुड। क्या समीर लाइव करे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बताओ सर को, आप तो फ्रेशर आए थे, कभी काम नहीं किए थे, क्या बोलना चाहेंगे सर को, कैसा रहा ट्रेनिंग? अभी सेट भी ऑन कर दिए। ट्रेनिंग एकदम मस्त है सर, अभी तो इतना खुद पे भरोसा आ गया है कि कुंता भी पेस्टेड हो निकाल के ऑन कर सकते ऑन कर सकते जी सर। तो कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे बंदे को? बिंदास आ जाओ सर। आ सकते हैं बिंदास? समीर जी लाइव ले रहे हैं वीडियो तुम्हारा, यहाँ कोई फेक वीडियो तो नहीं है? नहीं है सर, मैं खुद निकाला, खुद बिठाए, खुद बिठाए जी सर। आपके फादर के साथ आए थे आप? जी सर। हाँ, जो सोचे थे वो मिला आपको? उससे कुछ बहुत ज्यादा मिला, बहुत ज्यादा मिला जी सर। सेटिस्फाई है कि नहीं है? एकदम। चलो थैंक यू वेरी मच। तो समीर जी जैसा आप देख सकते हैं इन्होंने भी कर लिया, एक बार इनके लिए भी जोरदार क्लैप्स भाई। सुनो वेरी गुड। योगेश कहाँ से हैं आप?
हरियाणा से। हरियाणा से है, कैसा है कॉन्फिडेंस कैसा रहा अभी आपका? बढ़िया बढ़िया है। जो सोच के आए थे मिला? हाँ मिला। कोई आना चाह रहे हरियाणा से या पूरे इंडिया से देश भर से तो क्या करना चाहोगे? बिना सोचे आ जाए। बिना सोचे आ सकते हैं। कितने टाइम से सर आप यहाँ पे? मेरे को यहाँ हो गए 30 डेज। दूसरा देता हूँ 30 डेज हो गए। हाँ जी हाँ जी। तो आपने एंड्रॉइड का कोर्स किया है या आईफोन का भी किया? एंड्रॉइड का अब कर चुका हूँ, आईफोन का करना है। आईफोन का करना है अभी, एंड्रॉइड का कर चुके हैं। तो एंड्रॉइड आपका पूरा क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। चलो बहुत अच्छा है सर। ये देखिए कंटिन्यू में इनका भी ले लीजिए, यहाँ पे भी देखिए सर इनका भी हो चुका है, जावेद जो कि कर्नाटक से है। सर जावेद क्या बोलना चाहेंगे सर को? ये लो माइक, थोड़ा सा बात करो। कोई आना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं यहाँ पे, कैसा सर? बिंदास आ जाओ। मैं भी समीर सर से कॉल करके पूछ के आया था, सर ने भी सजेशन दिया कि फोन फिक्स हैदराबाद जाने के लिए। तो पैसा वसूल है या नहीं? पैसा वसूल है सर, जो बताया था वो मिल रहा है यहाँ पर? मिल रहा है सर। ऐसे तो नहीं कि काफी भाई ये सोचते हैं कि यार ये समीर जिधर मर्जी बता देता है और उधर जाने के बाद फर्स्ट जाने? नहीं सर नहीं, फर्स्ट डे अगर नहीं हुआ तो सेकंड डे सर खुद लेके बैठते हैं सिखाने के लिए, सही से हाथ पकड़ के। उसके बाद सर दूसरे दिन से ही आईसी रिमूव रिबॉल सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो पैसा वसूल है? पैसा वसूल है सर बिंदास। आप कितने टाइम से थे इस लाइन में? सर मैं 8-9 साल से था, बस LCD चेंज करता था, कभी आईसी को टच नहीं किया, डर जाता था कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुश्किल है। चलो बहुत अच्छी बात है, आज आपने ब्लैक पेस्टेड हमें इमेंसी करके दिखाई। ब्लैक पेस्टेड के अलावा अगर आपके पास कोई काम, जैसे कुछ टाइम बाद अगर कोई अपडेट होता है कुछ, तो आप अपडेशन के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। उसका भी जैसे सर बताते हैं वीडियो के अंदर कोई चार्ज नहीं लगने वाला। बाकी फिर भी अगर आप कहीं पे फंसते हैं तो आप ग्रुप में भी जो होंगे आप सर, में सपोर्ट है। सपोर्ट मिलेगी जी सर। ओके थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है मेरे साथ, ज्ञान प्रकाश लगाइए ऑन करिए, बिहार से है, बिहार पटना से है सर ये। अच्छा पटना से? पटना से यहाँ तक आ गए। पटना से इतनी दूर सर, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा ये। जैसे सर यहाँ पे देख सकते हैं ये सेट ऑन हो गया है, माइक्रोन का था MMC सर, माइक्रोन MMC। चलिए ये लीजिए, थोड़ा सा बताइए आप पटना से इतना दूर हैदराबाद आए तो सोच के आए थे, मिला आपको? जी सर। चेहरे पे स्माइल है, लास्ट डे ऐसा नहीं है कि ऐसा? नहीं सर। क्या चेहरे पे स्माइल डे वन से ऐसे ही है ये सर? तो आपका कुछ रह तो नहीं गया टॉपिक, कोई मन में कोई हो कि यार मेरा वो काम रह गया इस टाइम? नहीं सर, जितना मिला पूर्ण रूप में मिला। पैसा वसूल? जी पैसा वसूल करने नहीं आए थे सर, हम यहाँ कुछ काम सीखने आए थे, पैसे की बात बाद में। पैसे की बात बाद में जी। तो आपने जो काम सीखने के लिए जो आप आए थे, कितने टाइम से आप काम कर रहे थे? अप्रोक्स 16 इयर्स। 16 इयर्स से आप काम कर रहे थे, तो 16 साल से जब आप काम कर रहे थे क्या काम नहीं कर पा रहे थे आप? हम बस छोटा मोटा आईसी का काम करते थे, अंदर डीपली आपको डायग्राम की नॉलेज नहीं थी मुझे। ओके। बस बोर्नियो से मतलब देख के थोड़ा मोड़ा काम कर लेते थे और फोल्डर इस सब का काम करते थे सर। सर ये तो इन्होंने ब्लैक पेस्टेड आईसी लगाई है, साथ ही साथ इन्होंने डायग्राम भी बहुत बनाए हुए हैं। ठीक है, बाकी आप पूरा बना लिए ना डायग्राम्स वगैरह? नीट बनाए सर्किट डायग्राम? फिरोज सर का हाथ है इसलिए आगे बढ़े सर, और सागर सर, सगीर सर। अगर कोई पटना से हमारे भाई सोच रहे हैं कि यार मुझे जाना चाहिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बेशक यहाँ आना चाहिए सर, बेशक आना चाहिए, क्योंकि कई भाई ऐसे होते हैं ना उनको लगता है दूर है। तो भाई मेरे अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ, कोई जगह दूर नहीं होती, जहाँ पे आपको नॉलेज मिल रही है तो उसको ले लेनी चाहिए। यहाँ रहने खाने का कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं, हम 4-5 महीने जो इस बैच में आए, इससे 5 महीने पहले से यहाँ हम फोन करके सबको परेशान कर रहे हैं कि हमको अगले बैच में आना है, अगले बैच में आना है, लेकिन जगह नहीं मिल पा रही थी, लास्ट इस बैच में जगह। तो मैंने पहले सीट बुक करनी होती है सर, जैसा कि भाई ने बताया। तो ज्ञान प्रकाश इतनी दूर आए आप, बच्चे भी सोचते कि सर जाने के बाद रहने खाने ऐसा कुछ प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। और आप बिहार से कहाँ से? पटना में न्यू अलकापुरी गर्दनीबाग। गर्दनीबाग में चाबी जो जाके काम कर लेंगे जी सर। आप तो सर्किट डायग्राम भी अच्छे से बनाए, देखा हूँ मैं आपका जी सर, हैंड स्किल में दोनों चीज में परफेक्ट हुए कि नहीं हुए? जी सर जी सर। पहले जब आए थे अभी कितना डिफरेंस आ गया आप में? बहुत पहले, अब जाके काम दिखाएंगे और अपने ग्रुप पे डालेंगे पोस्ट अपनी। वेरी गुड, क्या बात है। एक बार जोरदार क्लैप ज्ञान प्रकाश के लिए, थैंक यू वेरी मच ज्ञान प्रकाश। तो सर यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, इन्होंने भी डन कर लिया है। एक बार जोरदार क्लैप शरद के लिए। शरद माइक कहाँ है? थोड़ा सा बताइए
कहाँ से हैं आप? सर मैं कर्नाटक से आया हूँ। थोड़ा साइलेंट रहिए। कर्नाटक से आए हैं? हाँ सर। तो आप क्या मतलब कितने टाइम से इस लाइन में थे? सर एक साल में काम करता था। तो आप क्या मतलब ये ब्लैक पेस्टेड वगैरह या नॉर्मल आईसी कर पा रहे थे? नहीं नहीं सर, मैं ऐसे भी खुला नहीं था। अच्छा खोले नहीं थे? हाँ सर। तो यहाँ आके आपको अब डर तो नहीं है कोई? नहीं सर। अभी आपने ये क्या किया इस फोन के अंदर? ब्लैक पेस्टेड आईसी था, उसको ईएमसी निकाल ले और रिबल करके डाला हूँ सर। और अब आपको कॉन्फिडेंस है अगर आपकी शॉप पे कोई काम लेकर आता है आप रिटर्न नहीं लेंगे? नहीं सर, मैं करके दे तो करके देंगे। तो आप शॉप का एड्रेस बताइए ताकि आसपास से जो मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे वो आपके पास काम लेकर आए और उनके मन में कोई डाउट रहता है कर्नाटक में, अगर जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इनके पास जाकर अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो बताइए सर एड्रेस। कर्नाटक चिकमगलोर बसवनहल्ली। ओके, जो भी इन्होंने एड्रेस बताया सर कि शॉप पे आप जाके इनसे आप अपने जो भी इंक्वायरी फोन फिक्स के बारे में आप यहाँ जाके इनसे बात भी कर सकते हैं और आपको काम है आपके पास तो आप इनके पास लेकर अपना काम भी करा सकते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच शरद। ओके क्या सर इसमें लग गया? ओके दिखाएंगे आप होम करके। तो सर एक चीज़ बताइए, जैसे आप ये इसके अंदर कौन सी एमएमसी लगी हुई थी, वो रैम लगी हुई थी? इसके अंदर माइक्रोन का था। माइक्रोन का था। अगर हम माइक्रोन के अलावा कोई अदर रैम लगाना चाहें तो पॉसिबल है? लगा सकते हैं। तो अभी आपने अदर लगाई है दिखाने के लिए हमारे भाइयों को या वही लगी हुई है? नहीं नहीं नहीं, वही लगाए। वही लगाए? वही लगाए। ठीक है, माइक्रोन की जो है ज़्यादा शॉर्ट होता है हमारा, हीट एंड एयर में जरा कंट्रोलिंग से काम करे तो बच जाता है वो भी। ठीक है, तो गाइस जैसे कि देख रहे हैं आप ये हैंगिंग लोगो था इस कंडीशन में, अभी आप देखते हैं देखेंगे कि ये आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता। चार्जिंग का परसेंटेज आया, चार्जिंग परसेंटेज आ गया, ऑन करो, ऑन हो जाता है। एक बार तस्लीम सबको बता दे। तो जैसा कि यहाँ पे ऐसे डाउन हो चुका है, एक बार सब लोग इनके लिए जोरदार क्लैप। एक दो अल्फाज बताओ क्या कहना चाहोगे आप? तो फाइनल डे जा रहे हैं, डबल डेकर भी बना लिया अभी तो। डबल डेकर था कि हमारा ट्रेन था अभी, लेकिन सागर सर ने बोला इतना बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बजे की ट्रेन है सर आपकी? मेरी मतलब 6:50 की। अभी की है? अभी की है, अभी तुरंत। आप देखो मैं टाइम दिखा दूँ आपको, 6:45 के आसपास का टाइम है और इनकी सर की ट्रेन 6:00 पर है। ट्रेन है मेरा, देखो ट्रेन लाइव। तो एक्चुअली ये होता है जब ट्रेन का अंदर भी ध्यान रहता है, मेरे ऊपर प्रेशर भी होता है, दूसरा ये भी होता है जब मैं कैमरा लेके खड़ा होता हूँ तो काफी भाई है जो कि हाथ पैर फूलते हैं उनके। और समीर सर लाइव सामने खड़े हैं तो और डबल हिलते हैं हाथ। सागर सर मेरे साथ में थे लेकिन ठीक है सर, आपने लगाया वो आपने लाइव दिखाया, बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह से और आगे अपनी काम करते रहिए और जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं जो इनके आसपास से हैं इनकी शॉप पर जाकर अपना काम भी कराइए और आपको यहाँ के बारे में कोई इंक्वायरी लेनी है तो आप इंक्वायरी भी ले सकते हैं इनसे। आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन एकदम वर्किंग बहुत बढ़िया है। तो सर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने भी एमएमसी इसकी लगा ली है, चलिए चेक करते हैं इनका सेट ऑन होता नहीं। ये उड़ीसा से है सर, स्टूडेंट हमारे। ओके, क्लास से थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं फेमस है। कहाँ से आप? उड़ीसा से जाओ। केंद्रापड़ा काम करो। सागर सर को बता दो। हाँ एक చెక్ చేయాలంతేనా? చెక్ చేద్దాం అండి, చెక్ చేయం। వెరీ గుడ్, ఎక్ బార్ జోర్దార్ క్లాప్స్ ఇన్కే లియే। క్యా బాత్ హై, క్యా భాయ్ కుచ్ బోల్నా చాహెంగే? कैसा लग रहा है? क्या अभी आप? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं जब पहले आया था मैं आईसी को हाथ लगाने पर भी डरता था। हाँ। फ़ोन पहले पहले तो मैं खोलने भी डरता क्योंकि मैं एक साल या 1.5 साल से काम कर रहा हूँ बस। हाँ। उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे है नहीं। तो अभी जो मैं अभी आईसी निकाल के फिर ऑन सेट में उठा के डाल दिया, मैंने ये सेप भी मतलब बैक कैमरा में भी बहुत कर चुका हूँ, फिर अभी हिम्मत आ गया है कि किसी भी पेस्टेड आईसी, ब्लैक पेस्टेड हो, वाइट पेस्टेड हो या डबल डेकर हो, खुल के हम काम कर सकते हैं उस पर। और मुझे नॉलेज नहीं था, बेसिक नॉलेज नहीं था एंड्रॉयड के बारे में, मतलब बोर्ड के बारे में, पीसीबी में कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, क्या करता है, कुछ भी नॉलेज नहीं था। वो सब मैं क्लियर हो गया और मेरे साथ स्कीमेटिक डायग्राम भी है तो अभी कोई भी काम सर आसान हो सकता है। जी सर, सारे अपन फेयर नोट भी बनाए हैं। सारा सारा सर बनाए। ये सर जो सोच के आए थे मिला? मिला सर, बहुत कुछ मिला सर, बहुत सेटिस्फाई है। उड़ीसा से इतनी दूर आ गए रहने खाने का नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आना चाहे तो उसको क्या बोलना चाहिए? जरूर आना है सर, बेशक आना। सर मैं यहाँ आने से पहले बहुत कंफ्यूज था कि क्या सीख पाऊँगा, 20 दिन में क्या सीख पाऊँगा, क्या नहीं सीख पाऊँगा, लेकिन मैं जो है यहाँ से बहुत कुछ सीखा
उसको बस काम में लगाना है, बस प्रैक्टिस थोड़ा जाना है, करना है बस। हैदराबाद कैसे आ गया? उड़ीसा से सर, मैं मुंबई में, कलकत्ता में बहुत। नहीं सर, मैं समीर सर का वीडियो देखा था, उसमें समीर सर को मैंने पर्सनली कॉन्टैक्ट भी किया था कॉल के, तो समीर सर ने बताया कि नहीं आप बेशक भी वहाँ भी जा सकते हो, तो मैं भी यहाँ आया, मैं सर से कॉल करके बात भी किया था, तो उसके बाद मुझे बहुत सेटिस्फाई हूँ बस। तो समीर सर ने जो बोला था वो 100% 100%। थैंक्स करना चाहोगे? थैंक्स सर, बहुत थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच। तो समीर सर, जैसे आप देख रहे हैं अभी ब्लैक पेस्टेड आईसियाँ भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ सर्किट का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लोगों ने रात में एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है, रात भर बैठ के हॉस्टल में बनाया आपने, ये समझ के बनाए ना आप? हाँ सर, समझ के। और ये जो स्टूडेंट है सर, आप एक बार देख लीजिए डायग्राम्स कितने अच्छे बनाए इन्होंने, परफेक्ट बिल्कुल सर। ये ड्राइंग, ये फोटोकॉपी तो नहीं है सर, जेरॉक्स तो नहीं है? नहीं सर, मैं खुद समझ के बनाया, अभी आप पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कौन सा कहाँ पावर कहाँ जा रहा है क्या करके। ये I2C का प्रोटोकॉल है, इसमें SPI प्रोटोकॉल, टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल सर, तो ये WTRIC है। ओके, अभी ऐसा है सर। तो अगर ये डायग्राम अगर आप नहीं बनाते समीर सर, ये जो स्टूडेंट है एकदम फ्रेशर थे, पहले कभी इन्होंने काम नहीं किया है, और अब पूरा समझ के इन्होंने ये डायग्राम बनाया है। पहली बार इधर ही आके सॉल्टिंग वाट पकड़ा, ब्लोअर सभी इधर ही देखा सर मैं। ओके, पहले तो मेरे को मालूम नहीं है क्या है किधर है बोल के, मगर ये पूरा समझ के सब कुछ देख के अब खुद से बनाया सर। बहुत अच्छा। हाँ सर, अब आप रिपेयरिंग कर सकते हैं आप शॉप पे जाके? हाँ हाँ, कर सकता हूँ सर। डर तो नहीं है कोई? नहीं फोन आएगा तो होगा या नहीं होगा? डर तो नहीं है सर, मगर डायग्राम फॉलो करके सब कुछ कर सकते हैं सर। स्टूडेंट है कर्नाटक से, अभी सेट भी लगा के ऑन कर दिया और हिटा भी लेके तुम्हारा सर। ये जो आपने बनाए इसकी, जी सर, सर ये जो आपने बनाया इसकी नॉलेज है आपको? जी सर। कौन सी लाइन किधर जा रही है बता सकते हैं आप? जी सर, पूरा जो भी आपने जितने भी डायग्राम बनाए पूरी नॉलेज? जी सर, पूरा नॉलेज। बहुत अच्छा। पहले आने से पहले आपको कुछ नॉलेज था का? नहीं सर, सर्किट का कुछ भी नॉलेज नहीं था, 0% था। इधर आके मॉर्निंग में 2 आवर्स बस सर्किट का नॉलेज दिया जाता है, दोपहर के बाद से रात तक बस प्रैक्टिस की जाती है। ओके, मतलब सेटिस्फाई हैं आप? जी सर बिल्कुल। कोई मन में डाउट रह गया हो किसी तरह से, आज लास्ट डे आप बता सकते हैं? नहीं सर, कुछ भी डाउट नहीं है, सब कुछ डाउट क्लियर हो गए हैं अभी। जो आप एक मन में ये रहता है कि यार मैं इंस्टीट्यूट जाऊंगा, जाने के बाद कैसा रहेगा नहीं रहेगा वो टाइप से? सर वो तो बहुत डाउट था, मैं आपको भी कॉल किया था, आप बोले सबसे अच्छा है हैदराबाद चले जाओ फोन फिक्स में, उधर क्लियर से सिखाया जाता है, तो आपके इंस्ट्रक्शन से मैं इधर आ गया, तो थैंक यू सर आपका भी। थैंक यू। स्टूडेंट है महाराष्ट्र से, सबसे कम उम्र के हैं इन्हों क्लास में पूरे, अभी डबल ब्लैक पेस्टेड भी कर दिए, डबल डेकर भी कर लिए इन्हों। अब यहाँ देखिए आप कैसे बनाए इन्होंने अच्छे से, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल बना कर रखे हैं इन्होंने। जी बहुत अच्छा। ये क्या चीज़ है सर ये बताइए? ये रजिस्टर है। रजिस्टर है जी। और इधर के क्या चीज़ है, किस चीज़ का? OPIC सर। ओके, तो आपको मालूम है ये जो IC है ये कैसे काम करती है? जी सर। बता सकते हैं पूरे? जी सर। और आगे नेक्स्ट? ये चार्जिंग IC सर। ये चार्जिंग IC जी। ये तो डायग्राम ऐसे लग रहे हैं आपने कहीं से फोटोकॉपी करा रखे, इतने कलरफुल। ग्राफिक सेक्शन। ग्राफिक सेक्शन, ओके। ये टच का है? ये टच का है जी। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ये रिंगर IC। ओके, एक एक बॉल का सर इनको लिखाया जाता है कहाँ कितना वोल्टेज आता है, कहाँ CPU की लाइन आती है, कहाँ पे पावर से कनेक्टेड होता है, अगर आवाज़ नहीं बज रहा है तो क्या कारण हो सकता है, एक एक चीज़ से ये फॉल्ट पकड़ सकते हैं। खाली IC बदलते जा रहे हैं लेकिन फिर भी फॉल्ट फाइंड नहीं हो पा रहा है, तो ये लोग एक एक बॉल का ये लोग चेक करके बना सकते हैं कि सिग्नल नहीं आ रहा है या वोल्टेज नहीं आ रहा है या कहीं से कोई IO लाइन नहीं आ रही है, क्या मिसिंग है, ये लोग इस चीज़ से बना सकते हैं सर। ये वाले लोग ढूंढते रहते हैं गूगल वगैरह पे, इनको बनाने नहीं आता, ये सब समझ के बनाए ना भैया? जी सर, समझ में। ठीक है, और क्या बना दिए इधर? CPU मास्टर है। SPI प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये I2C लाइन, ठीक है। तो पहले जब आए थे कुछ समझ में आता था क्या डायग्राम? डायग्राम समझ में नहीं आता था सर, कॉलेज नहीं हूँ आप तो समझ में नहीं आता था। मेरे पास डायग्राम बोर्ने होता सर 1 साल से, बस मैं हार्डवेयर का सोल्यूशन देखता था बस। अच्छा, पूरे क्लास में आपको हार्डवेयर सोल्यूशन खोल के कभी पढ़ाते क्या अपन? नहीं। और स्टूडेंट को भी खोलने बोलते क्या हार्डवेयर? नहीं नहीं सर। क्या क्या चीज आप तीनों में से क्या लेते हो बोर्नियो में से? बोर्नियो से स्कीमेटिक। स्कीमेटिक डायग्राम, क्योंकि अपने को लाइनों का नॉलेज है और प्रॉपर बताया जाता है। जी सर। क्या हार्डवेयर सोल्यूशन में बिट मैप में भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हमारे पास कभी मिस्टेक हो सकता है? नहीं सर। ठीक है, अभी जाके काम कर लेंगे। जी सर, 100%। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
पे आप देख सकते हैं एक और स्टूडेंट है जो कि बिहार से है ना आप जी, बिहार से। कहाँ से? बिहार से। बताइए, सेट ऑन हो गया आपका, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो पहली बार थोड़ी ना किए हम तो, क्या कितने बार तो कर लिया? 20 दिन में। 20 दिन में तो 4-5 किए सर, ब्लैक बस्टर्ड। तो सबसे पहले मुझे अपना अपनी शॉप का एड्रेस बताइए ताकि आपको कॉन्फिडेंस है आप रिपेयरिंग मतलब आप काम कर सकते हैं, किसी का काम रिटर्न नहीं देंगे। तो आप एड्रेस बताइए जिससे कि कोई भी आसपास से आपके गाँव के आसपास से जो भी है वो आपकी शॉप पर काम लेकर आए। सर बेतिया जिला है बिहार में। ओके, वहीं। क्या नाम है दुकान का आपके? स्टार टेलीकॉम। स्टार टेलीकॉम। तो गाइज इनका स्टार टेलीकॉम के नाम से इनकी शॉप है वहाँ पर। अगर आप काम अपना नहीं रिटर्न देते हैं तो आप इनके पास ले जाकर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ इंस्टीट्यूट के बारे में भी अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो वो आप इनसे लाइव ले सकते हैं। कई बार ऐसे होता है आप ये कहते हैं मुझे फ़ोन करके कि या कमेंट करते हैं कि सर जो भी स्टूडेंट हैं उनका नंबर लिया करो। भाई नंबर मैं इसलिए नहीं डालता स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में, प्रॉब्लम ये आती है आप इनको परेशानी करते रहोगे। आपको मैं लाइव दे रहा हूँ तो आप इनके पास जाकर कर सकते हैं। और जो इनका फ़ोन था वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आपको यहाँ के, यहाँ सीखना चाह रहे हैं उनको? सर वो आए कॉन्फिडेंस एकदम आए। कैसा सिखाते हैं ट्रेनिंग के बारे में? सोच भी नहीं सकते वैसा सिखाते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा है। कितने टाइम से हैं आप यहाँ पर? सर आज 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए आपको? तो आप ब्लैक पेस्टेड वगैरह पहले कर रहे थे? नहीं सर, ब्लैक पेस्टेड वगैरह अब आपने मेरे सामने ही यहाँ पर आपने UMC उतार कर दोबारा से लगाई है और सेट आपने प्रूफ करके दिखाया कि हाँ मैंने सेट ऑन किया है। बाकी ये तो चलो IC वाली बात थी। इसके अलावा जो एक दूसरी बात होती है फॉल्ट फाइंड की होती है, जैसे आपके पास कोई सपोज फोन डेड होकर आ गया तो उसको फाइंड कर सकते हैं आपके? जी, जी, जी। या डायरेक्ट IC उतार के दोबारा से लगाने लग जाएंगे? पहले फॉल्ट फाइंड करेंगे। अगर चार्जिंग का कोई इशू आ जाता है उसके अंदर डायरेक्ट चार्जिंग IC उतार देंगे या उसका पहले ट्रेसिंग करेंगे। बहुत अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार क्लैप्स इनके लिए जोरदार।